हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार ऑल एग्जाम स्पेशल 6690 प्लस एमसीक्यूज के किरण वाले बुक को देखने वाले हैं। आप में से जो भी लोग बीपीएससी टीआरई है, बिहार एसएससी है, बिहार दरोगा है, बिहार पुलिस है, अगर आप इन सब जॉब की तैयारी कर रहे हो, साथ ही साथ अगर आप एस्टेट भी देने वाले हो, तो भी यह क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग के पास अगर बुक हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो आसपास के बुक शॉप से आप ले लीजिएगा, काफ़ी अच्छा बुक है। यहाँ पर आप देख रहे हो सॉल्व्ड पेपर 2024 स्पेशल है। इसका एक क्लास पहले भी दिया गया था अगर आपको ध्यान हो, जिसमें कि हम लोग 2023 तक के सारे प्रश्नों को देखे थे। नया वाला बुक है, अपडेटेड बुक है 2024 तक का। आप अगर इन सब जॉब की, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो, तैयारी कर रहे हो, आप इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। आप में से कुछ मित्रों का ये भी कहना था कि आप इस बुक को पहले देख चुके हो। देखिए, अगर आपने पहले देखा है, आप नहीं भी देखेंगे इस क्लास को तो चलेगा, लेकिन अगर आप देख लेते हैं तो यकीन मानिए इससे आपको फ़ायदा ही होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। बिहार के एग्ज़ाम में किस तरह का सवाल पूछा गया है, क्या पैटर्न रहा है, यह समझ लेंगे आप तो बिहार का जो भी नॉर्मली ये सब एग्ज़ाम है आपका आसानी से निकल जाएगा। आज के इस क्लास में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को देखेंगे, जिसमें कि टोटल 145 प्रश्न दिए गए हैं। इसका और भी क्लास देखना हो, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, देख लीजिएगा। आपसे आशा करेंगे क्लास अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। कंजूसी नहीं करना है इस चीज़ में, कुछ लोग कंजूसी करते हैं। कुछ कहना होगा कमेंट करके बताइएगा इस क्लास के बारे में। आज के इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको पहले से पता है कि हम लोग क्या देखने वाले हैं, कैसे देखने वाले हैं। आइए सबसे पहला सवाल देखते हैं, जो कि अपना मध्यकालीन भारत के इतिहास का है। सबसे पहला सवाल, अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया था, इस फारसी संस्करण का नाम बताएंगे आप क्या दिया गया था। यह सवाल आपके लिए छोड़ रहे हैं, कमेंट करके बताइए। 2005 के अमीन वाले एग्जाम में पूछा गया था, बिहार एसएससी अमीन में। अकबर के शासनकाल में आप जानते हो विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया था, इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? साकिनात अल अल्पिया कहा गया, रजनामा कहा गया, इकबाल नामा कहा गया, या फिर अकबर नामा कहा गया। राइट आंसर क्या है जरूर कमेंट करके बताइए। नंबर सेकंड कह रहा है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? अलीगढ़, रुड़की, दिल्ली, अजमेर। तो देखिए, हजरत निजामुद्दीन औलिया के बारे में पूछेगा। नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ पर है? दिल्ली में आपको बताना होता है। यहाँ से एक सवाल और बनता है, हजरत निजामुद्दीन के बारे में पूछा जा सकता है किस घराने से संबंधित थे? तो यहाँ पर आप चिश्ती याद रखिएगा, ठीक है। चिश्ती घराने के संत थे, और अगर यह पूछे कितने नंबर के, तो चौथे संत हुए थे ये। कितने नंबर के? चौथे, आपको बताना होता है। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब पवित्र दरगाह माना जाता है, यह भी ध्यान रखेंगे। नंबर थर्ड कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन है जो जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है? देखिए, ऐतिहासिक महल नहीं है, कहाँ का पूछ रहा था? जयपुर का। हवा महल हाँ है, जयगढ़ फोर्ट बिल्कुल है, जोधाबाई पैलेस यह भी है, लेकिन कनक वृंदावन ऐतिहासिक प्लेस में नहीं आता है। कहाँ पर है? तो जयपुर में ही है ये कनक वृंदावन। और ये क्या है तो याद रखिएगा, एक उद्यान है, ठीक है। अरावली पर्वत है वहीं पर, उसी के पास में है ये, मतलब उसी के नीचे एक तरह से कहिए बना हुआ है। नंबर फोर कह रहा है, तारीख़ मुबारक शाही का लेखक यहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? इस तरह का सवाल बहुत बार पूछा गया है, पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर ना सेकेंड बताना होता है, सैयद के समय में। ध्यान रखिएगा, खिजर खां था, उसके बाद उसका जो पुत्र था मुबारक शाह सुल्तान बनता है, इसी ने तारीख़ मुबारक शाही के मतलब कहिए कि लेखक जो थे याहिया बिन सरहिंदी, इनको संरक्षण दिया था। याद रखिएगा, सवाल यही पूछ लेगा आपसे, तारीख़ मुबारक शाही के लेखक कौन है, तो आपको याहिया सरहिंदी बताना होता है, सैयद के समय में थे, ये याद रखेंगे। मुबारक जो शाह था, ये सुल्तान बनता है तो ये उसको संरक्षण देता है। नंबर फाइव कह रहा है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? याद रखना है, तुगलक वंश का पूछे अंतिम शासक कौन था, तो
मोहम्मद शाह आपको बताना होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 टिक करेंगे। निम्नलिखित में से किस नगर में कह रहे कि चार मीनार स्थित है, बताइए चार मीनार कहाँ पर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपको टिक करना होता है, हैदराबाद में है चार मीनार, ठीक है। देखिए चार मीनार के बारे में आपको ध्यान रखना होता है कि 1591 में हैदराबाद में बनवाया गया था, ठीक है। राजा सवाई जयसिंह द्वारा पहली जो वैधशाला बनी थी कहाँ पर बनाया गया था इनके द्वारा, बताइए, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जयसिंह के द्वारा पहला वैधशाला कहाँ पर, क्या बताएंगे, जयपुर, उज्जैन, अयोध्या, दिल्ली, कहाँ पर। एक सेकेंड जरा रुकिएगा। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन में बताना होता है, ठीक है। नंबर सेकेंड हो जाएगा 7 का सही जवाब, कहाँ पर बना था, उज्जैन में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है, देखिए यहाँ पर ये दिल्ली भी ऑप्शन में था ना, तो यहाँ पे दिल्ली कर देंगे टिक, ठीक है। दिल्ली 1725 के आसपास दिल्ली में ये बना था, ठीक है। और जैसा कि जयपुर है तो यहाँ पे भी बनता है, लेकिन यहाँ पे 1734 में बना था, ठीक है। फिर आपका जैसे उज्जैन है यहाँ पे बनता है 1738 में, ठीक है। और बस इतना आप याद रखेंगे तो ये दिल्ली में हो जाएगा सबसे पहला, क्यों, क्योंकि 1725 में बना था, इस पर नज़र ध्यान ही नहीं गया था, ठीक है। दिल्ली यहाँ पे होगा नंबर 7 का 4 सही जवाब होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है, तो औरंगजेब का है, हुमायूं का है, अकबर का है, लेकिन जहांगीर का नहीं है, पाकिस्तान के लाहौर में है इसका, जहांगीर का, ठीक है। और बाबर का कहां पर है याद करिए, तो बाबर का काबुल यानी कि अफ़गानिस्तान में था। हुमायूं का कहां पर है, दिल्ली में है। अकबर का कहां पर है, सिकंदरा में है। जहांगीर को आपको बता ही दिया गया, जहांगीर के बारे में शाहजहाँ तो आप अच्छे से जानते हो कहाँ पर है, आगरा में। औरंगजेब कहाँ पर, औरंगाबाद में याद रखेंगे। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था, उसका नाम है बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर है, बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गोरी के कौन से दास थे, तो बख्तियार खिलजी आपको बताना होगा, नंबर 3 राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नंबर 10 पर आइए। अष्ट प्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में था, काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। तो अष्ट प्रधान शिवाजी के समय में नंबर 1 हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। अष्ट प्रधान में पेशवा होता था जिसे अष्ट प्रधान का प्रमुख कहते थे, सर ए नौबत होता था, सेनापति कहते थे, अमात्य को वित्त मंत्री कहा जाता था, ये सब आप याद रखेंगे। नंबर 11 कह रहे हैं इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुआ था, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आता है, इब्न बतूता पहला यहाँ पर राइट आंसर हो गया। किसके समय में आया था, 1333 में आया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रामानुजाचार्य जो हैं किससे संबंधित हैं, बताएं। नंबर 12 में क्या होगा सही, रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं, तो नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा, विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित हैं। रामानुजाचार्य अगर पूछेगा तो विशिष्टता द्वैत से संबंधित हैं।
सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला, तुर्क। देखिए, सल्तनत काल में अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वंश के वर्ग के थे? तुर्क वर्ग के बताओगे। फतेहपुर सिकरी को किसने बनवाया? तो फतेहपुर सिकरी ऑप्शन नंबर, यहाँ पर आपको अकबर बताना होता है, सेकेंड सही जवाब है। कब बना था? 16वीं शताब्दी, याद रखिएगा। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में बनाई है, ठीक है। बताएंगे कि बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बताइए बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? औरंगजेब के जो शहजादे थे आजम शाह, उन्होंने 17वीं शताब्दी में कराया था, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर सही जवाब होगा, औरंगाबाद में है। भारत में सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा आपसे पूछे, ऑप्शन नंबर पहला बुलंद दरवाज़ा सही जवाब है। कहाँ? उत्तर प्रदेश आगरा सिकरी, फतेहपुर सिकरी आपको बताना होता है भारत का सबसे ऊंचा। अच्छा, बुलंद दरवाज़ा पूरे विश्व का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है, आप यह भी याद रख सकते हो। निम्न में से किसने टाका यानी टंका और रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का परिवर्तन किया था? तो वह व्यक्ति है कौन? ऑप्शन नंबर पहला होगा शेर शाह सूरी, सही जवाब है। कौन? शेर शाह सूरी होगा। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने आरंभ किया था? अच्छे से जानते हो, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, जिसके समय में सबसे ज़्यादा मंगोलों का आक्रमण हुआ था। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया, किसके थ्रू आया? उनका नाम है रामानंद, ऑप्शन नंबर पहला। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन पूछे किसने चलाया, रामानंद आप बताओगे। निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया? तो एक व्यक्ति थे, इकलौते कौन थे? बीरबल साहब, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। किसने किया था दीन ए इलाही को, मतलब किसने माना था, स्वीकार किया था? तो उनका नाम है बीरबल, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर नंबर 20 का। कह रहे हैं कि हनूज दिल्ली दूरस्थ, मतलब अभी दिल्ली दूर है, ये किसने कहा है, ये बात कहा गया है किसके द्वारा? तो संत जो निजामुद्दीन औलिया थे, इन्होंने ये बात कही थी, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक से अच्छा संबंध नहीं था इनका, यह भी ध्यान रख सकते हो, यही पूछ लेगा आपसे। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो किसके समय में होता है? अलाउद्दीन खिलजी के समय में होता है, नंबर सेकेंड राइट आंसर है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी, नंबर पहला यहाँ पर टिक करना है। दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा है वो फारसी थी। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था कहाँ पर? तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था पटना में। कहाँ होता है? पटना में। डेट क्या था? तो 22 दिसंबर को 1666 में हुआ था, ठीक है। बचपन का नाम गोविंद राय था, उनके पिता गुरु तेग बहादुर जो कि सिखों के 9वें नंबर के गुरु रहे थे, यह भी ध्यान रखेंगे। बिहार एसएससी में पूछा गया सवाल है, निम्नलिखित में से किसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था? बताइए, काफ़ी अच्छा सवाल है। तो राइट आंसर हो जाएगा अफगान अरब मंगोल तुर्क। तो अरबों ने किया था, नंबर सेकेंड आपको टिक करना है। अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल कौन था? तो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, ठीक है। और अकबर के शासनकाल में वित्त सलाहकार आप इसे कह सकते हो, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सही है, राजा टोडरमल थे। सही कालानुक्रमिक क्रम निम्न में से कौन सा होगा? चार संतों का आपको यहाँ पे बताना है। देखिए, कबीर का नाम जन्म 1398 में हुआ था, याद रखिएगा। फिर आप आ जाइए नानक साहब यानी गुरु नानक,
1469 में होता है इनका, चैतन्य महाप्रभु दिया हुआ है, ये हुआ था इनका 1486 में, और तुलसीदास के लिए तो आपको सबसे लास्ट में 1511 याद रखना होता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें लेकर के रख लीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। शेर शाह अच्छे तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं, विशेष रूप से अपने किस चीज़ के लिए बताएंगे? तो यहाँ पर आपको बताना होगा नंबर सेकेंड, भू राजस्व प्रणाली के लिए, ठीक है। अगर पूछे कि शेर शाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध थे विशेष रूप से, तो भूमि राजस्व प्रणाली के लिए नंबर सेकेंड हो जाएगा। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था याद है? इन्हीं का नाम था फरीद, पठान थे ये, ठीक है, भारत में जन्म हुआ था इनका। बुलंद दरवाज़ा जो कि अकबर द्वारा निर्मित है वह किसके विजय का प्रतीक है बताएं? बुलंद दरवाज़ा क्या होगा? 1572 याद आ गया होगा आपको। यहाँ पर आपको ना 4 बताना होता है, गुजरात के बाद हुआ था, ठीक है, नंबर 4 सही जवाब है। बीबी का मकबरा है किसका? बीबी का मकबरा है औरंगजेब की पत्नी का मकबरा, किसका है? औरंगजेब की पत्नी का। निम्नलिखित प्रदेश या फिर राज्य में से एक है जो अकबर के शासनकाल के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की सीमाओं के बाहर था, उसका नाम बताएं कौन सा था? सही जवाब हो जाएगा 3rd, बीजापुर, ठीक है। बीजापुर कर्नाटक का एक शहर है, ठीक है। यह ना आदिलशाही जो बीजापुर सल्तनत है उसकी राजधानी भी रहा था और अकबर के शासनकाल के साम्राज्य से यह बाहर रहा था, कौन सा? बीजापुर। कह रहा है कि भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे को ले गया था कौन? सही जवाब हो जाएगा नादिर शाह, नंबर पहला। किस कौन ले गया था? नादिर शाह ले गया था, कब? 1740 में, आपको ध्यान रखना होता है। निम्नलिखित में से किस शासक ने जीटी रोड बनवाया था, ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण करवाया था? तो आप जानते हो शेरशाह सूरी हो जाएगा नंबर 3rd। यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ, किसकी पराजय से? तो विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश किसकी पराजय से समाप्त होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2nd, राम राज आपको बताना होता है, क्या नाम था उनका? हिंदू राजवंश राम राज की पराजय से समाप्त होता है। लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दिया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही जवाब, लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को। चौसा का युद्ध किनके बीच में हुआ था? चौसा का युद्ध होता है नंबर 3rd, हुमायूं और शेरशाह के बीच में, डेट था 27 जून 1539, जानते हो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था जिसमें कि हुमायूं काफ़ी बुरी तरीके से पराजित हुआ था। अच्छा एक सवाल बताइए ज़रा सा, कि अगर आपसे पूछता है कि दोहरा गुंबद जो बनने का जो स्टार्ट हुआ था ना शुरुआत भारत में, वो किसके समय में हुआ था दोहरा गुंबद, क्या इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक है? अगर आपको पता हो, आपका तैयारी एडवांस लेवल पे है, तो आप ज़रा सा कमेंट करके बताइए कि दोहरा गुंबद बनने का जो काम स्टार्ट हुआ था वो हुमायूं या फिर शेर शाह के समय में हुआ था, बताइए ज़रा सा। देखें कह रहा है कि दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? जामा मस्जिद का निर्माण 1656 में होता है, शाहजहाँ ने करवाया था, पुरानी दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। यहाँ पर पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष में हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध अगर आपसे पूछता है तो 1526 में हुआ था, डेट क्या था दोस्तों? 21 अप्रैल का वह डेट था, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, इब्राहिम लोदी बुरी तरह से हार गया और मुग़ल काल का उदय होता है यहीं से। कह रहा किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? तो उसका नाम हो जाएगा नंबर 4, अकबर ने 1574 में दाऊद खान करानी को पटना और हाजीपुर से खदेड़ करके भगा दिया गया था, ठीक है। अकबर के दरबार में कितने रत्न रहा करते थे?
बताइए कमेंट करके। यह सवाल भी आपके लिए छोड़ रहे हैं, काफ़ी ईजी है। कितने दरबार कितने रहते थे, नाम पता है तो अभी बता दीजिए। गुरु नानक का जन्म हुआ था कहाँ पर? तीसरा तलवंडी हो जाएगा सही जवाब। अभी जस्ट आपको कुछ देर पहले बताया भी गया था, 1469 में तलवंडी नामक गांव में हुआ था। इसी गांव को आप ननकाना साहब के नाम से भी जानते हो। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ से सीखी, बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, अमृतसर। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी, तो सही जवाब हो जाएगा नंबर अंबाला दोस्तों होगा यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर? अंबाला में इन्होंने सीखा था। अच्छा, ये देखिए आप सवाल कब पूछा गया है, बिहार एसएससी इंटर लेवल में पूछा गया है। इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा अच्छे से। कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा कराया गया था, पूरा किसके द्वारा कराया गया था आपसे पूछा है। नंबर सेकेंड हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इन्होंने ना 1192 के आसपास में कहा जाता है कि कुतुब मीनार का पहला मंजिल का निर्माण करवा दिया था। 1220 ईस्वी फिर आता है, इस समय में ऐबक का जो उत्तराधिकारी और साथ ही साथ दामाद था शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इन्होंने ही 3 मंजिल आगे का पूरा किया था। फिर 1369 का समय आता है, इस समय में क्या होता है तो बिजली गिरने की वजह से कहा जाता है ऊपर का मंजिल टूट गया था। तो एक व्यक्ति फिर आता है फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने उस जो मतलब क्षति हो गया था, खराब हो गया था, टूट गया था, उसको तोड़ करके फिर से सही से बनवाया था। कह रहे हैं कि लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, देख रहे हो ना, री एग्जाम जो हुआ था बीएसएससी उसी में पूछा गया सवाल है। तो दिल्ली का लाल किला मुगल सम्राट शाहजहां ने 1648 में बनवाया था, तो शाहजहां हो जाएगा नंबर थर्ड सही जवाब। कह रहे हैं कि हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? अकबर की माँ थी और हुमायूं की पत्नी थी। ठीक है, तो किसकी माँ पूछे, नंबर सेकेंड बताओगे सम्राट अकबर का। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था, अभी हम लोग देख चुके थे जस्ट, फरीद खां थे। गुरु गोविंद सिंह की माता जी का नाम बताएंगे, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु आप जानते हो। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को जस्ट बताया गया पटना बिहार में। इनके पिता का नाम तेग बहादुर और माता का नाम अगर पूछे तो क्या है ही नहीं, यहाँ पे कजरी दिया हुआ है, कन्फ्यूज नहीं करिएगा, क्योंकि गुजरी देवी है इनकी माता जी का नाम। नंबर 4 ट्रिक करना इनमें से कोई नहीं। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था, शिवाजी को कैद करने वाले व्यक्ति का नाम है औरंगजेब, नंबर 3। शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने कैद कर लिया था। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का को किसने बनवाया था, देख रहे हो ना सवाल कहाँ कहाँ से किस तरह से पूछा जा रहा है घुमा फिरा के। औरंगजेब हो जाएगा सही जवाब। मोती मस्जिद मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था दिल्ली के लाल किले में। कहाँ पर? दिल्ली के लाल किले में। बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ पर है? बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी आपको बताना होता है, आगरा से 43 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर सिकरी है। रजनामा फारसी में अनुवाद था, पहला वाला सवाल है ना, इसका जवाब तो नहीं बताना चाहिए है ना, क्योंकि यह सवाल आपके लिए छोड़ा गया था और आशा है कि आप जवाब बता चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला वाला सवाल जो था वही है। कह रहे कि वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ वह कौन है, वह कौन सा राजा है, वह कौन सा सम्राट है जिसका कि 2 बार अभिषेक होता है? तो मुगल सम्राट औरंगजेब बताना होता है, अपना 2 बार करवाया था, एक बार 1658 फिर 1659 में करवाया था। ठीक है, औरंगजेब नंबर 4 सही जवाब है। सूफी जाने जाते हैं किस चीज़ के लिए,
सूफी हो जाएगा। नंबर तीसरा, मुस्लिम संत के नाम से सूफियों को आप अच्छे से जानते हो। औरंगजेब की मृत्यु पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हो गया, बताइए। यहाँ पर तीसरा टिक करना होता है, चूड़ामन सही जवाब है। ध्यान दें यहाँ पर जरा सा, औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 1707 में होती है, आप ये अच्छे से जानते हो ना, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है, ठीक है। फिर मुग़ल कमज़ोर होने लगते हैं, चूड़ामन जो रहते हैं, क्या नाम है, चूड़ामन, ये क्या करते हैं, अपने राज्य का विस्तार करते हैं, ठीक है। यहाँ पर नंबर तीसरा, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए, चूड़ामन, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला राजकर्ता कौन थी, जानते हो आप, रजिया सुल्तान। नंबर सेकेंड, गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी, तो 1320 में किया गया था। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में किया था। डेट आप जानना चाहो तो 8 सितंबर का वह डेट था। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, जो यह गयासुद्दीन तुगलक है ना, ये टोटल 29 बार मंगोलों के आक्रमण को, मतलब कहिए कि निष्क्रिय कर दिया था, विफल कर दिया था, ठीक है। कितने बार, 29 बार किसने किया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। मंगोलों के वंशज कह रहे कि मुग़ल कहाँ के मूल निवासी थे, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, मध्य एशिया के। मंगोलों के वंशज नॉर्मली जो पश्चिमी एशिया है ना, मध्य भारत है, यूरोप है, एशिया है, तो मध्य एशिया आपको याद रखना होता है, या पश्चिम एशिया भी कह सकते हो, यहाँ के थे ये। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था, याद है, बाबर का जन्म बताइए तो कब हुआ था, याद करिए तो 1483 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, फरगना में हुआ था बाबर। यह सवाल पूछा जाता है या फिर नहीं भी पूछा जाएगा तो आप ध्यान रखिएगा, बाबर पिता की ओर से तैमूर था, याद रखिएगा, पांचवा वंशज था उनका, और माता की ओर से पूछेगा तो चंगेज खां का था, 14वां वंशज था वो चंगेज खां का। कह रहे, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है, छुट्टियाँ छूट गया क्या। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुग़ल शासक ने बनवाया था, करवाया था, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। इस सवाल पे ना एक नंबर मिल गया था 2014 के बिहार पुलिस वाले एग्ज़ाम में सारे स्टूडेंट को, ठीक है, क्योंकि हमीदा बानो बेगम आपको याद रखना होता है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है, स्टार मार्क यहाँ पे आप कर लेंगे। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में है, अब आपको ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, दशम ग्रंथ सही है। दशम ग्रंथ सिखों का धर्म ग्रंथ है, जो कि जो गुरु गोविंद साहब थे उनकी पवित्र वाणी और रचनाओं का संकलन है, दशम ग्रंथ। यह सवाल शायद आपको ना भी पता हो, याद रखिएगा, हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में, दशम ग्रंथ में किया गया है। नंबर 60 कह रहा है, 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री एवं इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकेंड, इब्न बतूता राइट आंसर है, क्या होगा, इब्न बतूता। मोहम्मद गवान किसके राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था, मोहम्मद गवा जो है ना, ये बहमनी साम्राज्य आपको याद रखना होता है, ठीक है, बहमनी साम्राज्य में प्रसिद्ध वजीर और वकील था, ऑप्शन नंबर थर्ड सही जवाब है। मोहम्मद गवान जो है ये बहमनी के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम में, नंबर पहला सही जवाब, हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु गुरु लिपि
गुरु मुखी लिपि की शुरुआत की है, कौन से सिख गुरु थे वे? तो उनका नाम हो जाएगा नंबर पहला गुरु अंगद देव थे। सिखों के दूसरे नंबर के गुरु कौन थे? अंगद थे। इन्होंने सिख परंपरा में गुरुमुखी लिपि की शुरुआत करने का श्रेय इन्हीं को मतलब कहीं की जाता है। देख रहे हो ना सवाल कब पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था? ऑप्शन नंबर पहला सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। कौन है जो चंगेज खां का समकालीन था? सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश था, नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? खालसा पंथ की स्थापना करने का श्रेय गुरु गोविंद सिंह को जाता है। 1699 में बैसाखी वाले दिन में आनंदपुर साहब में इनके द्वारा किया गया था, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। भारत में बाजार नियंत्रण करने वाला पहला मुस्लिम शासक का नाम, नंबर सेकेंड अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। मुगल प्रशासन में निम्नलिखित को मुहतसिब कहा जाता है, बताइए मुहतसिब किसे कहते हैं? जैन नैतिकता का प्रभारी अधिकारी को कहा जाता है, याद रखिएगा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मुहतसिब किसे कहा जाता है? जन नैतिकता का प्रभारी अधिकारी को कहा जाता था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में होती है, किसके किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है पानीपत का पहला लड़ाई। निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल से संबंधित नहीं है? बलबन है, रजिया सुल्तान है, इल्तुतमिश है, शेर शाह सूरी नहीं है। ठीक है, शेर शाह सूरी बचपन का नाम फरीद पठान थे, 1540 में हुमायूं को हराते हैं। ठीक है, सूरी साम्राज्य स्थापित करते हैं, यह सब आप ध्यान रखेंगे। बीरबल अपने किस गुण के कारण प्रसिद्ध थे? तो बीरबल क्या थे? बुद्धिमान। दीन ए इलाही की स्थापना किसने किया? तो अकबर के द्वारा किया गया है दीन ए इलाही। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का आप जानते हो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, खिलजी वंश के संस्थापक थे। जब ये सुल्तान बनते हैं उस वक्त जलालुद्दीन की एज अगर आपसे पूछ लिया जाए कितना हो रहा था? 70 साल हो रहा था, आप ये बता दोगे। जलालुद्दीन खिलजी सही जवाब है, एज 70 साल। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर तो आपका होता है 1764 में। ठीक है, बक्सर का युद्ध कहाँ से सवाल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है? तो अब तो खैर देखना भी नहीं चाहिए इसको, है ना, सासाराम हो जाएगा। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? मुगल साम्राज्य की नींव तो पानीपत की पहली लड़ाई के बाद 1526 में जो हुआ था, इसी समय से आप ध्यान रखोगे माना जाता है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला बनवाया था किसने? ऑप्शन नंबर थर्ड शाहजहां ने बनवाया था। सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वंस कर दिया था? सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी, नंबर 4 सही जवाब है। सोमनाथ मंदिर के लिए हम लोग कहाँ, महमूद गजनवी टिक करेंगे। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था, बताइए पेशवा किसे कहते थे? मुख्य प्रधान को कहा जाता था। ठीक है, मुख्य प्रधान को यानी कि मुख्यमंत्री आप कह सकते हो, नंबर 3 हो जाएगा। और शिवाजी के समय में जानते हो अष्ट प्रधान हुआ करते थे, उनमें से एक थे पेशवा और ये मुख्यमंत्री हुआ करता था। अलबरूनी किसका दरबारी कवि था? अलबरूनी किसका था? महमूद गजनवी का आपको बताना होता है, नंबर 3 राइट आंसर। अलबरूनी फारसी विद्वान था, लेखक था, विचारक था, ये सब आप याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो की खोज आरडी बनर्जी राखालदास बनर्जी साहब के द्वारा किया गया था। सवाल है कब? तो 1922 में किया गया था, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आरडी बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज। तुगलक वंश का इतिहास किस ग्रंथ में संग्रहित है? तुगलक वंश का इतिहास अगर जानना हो तारीख़ फिरोजशाही में आपको देखने को मिलेगा। यह किसने लिखा है? जियाउद्दीन
बर्नी के द्वारा लिखा गया है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई थी? मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है कब? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड, 1206 में हुआ था। लाहौर से गजनी जाते समय खोखर हुआ करते थे, खोखर मतलब एक तरह के विद्रोही कहिए, खोखर कहा जाता था उनको, उन लोगों ने उन पर हमला किया था और इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? मोहम्मद गोरी की। कब होती है? 1206 में। इल्तुतमिश दास वंश का सुल्तान कब बना? इल्तुतमिश दास वंश का सुल्तान 1211 में बनता है, कब तक रहता है? 1236 तक रहता है। फिर 36 से 40 तक कौन रहता है, आप अच्छे से जानते हैं इसे। अलाउद्दीन ने गुजरात पर कब विजय प्राप्त किया था? 1297 नंबर थर्ड सही है। 1297 में अलाउद्दीन ने गुजरात के एक शासक थे, नाम क्या था? बघेल शासक था। क्या नाम था? बघेल शासक, आपको याद रखना होता है। नाम क्या था बघेल शासक का? कर्णदेव। याद रखिएगा, बघेल शासक कर्णदेव को हराते हैं, बहुत सारा धन और दास थे काफूर को लेकर दिल्ली लौट जाते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई कब होती है? जानते हो, 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और मुग़ल शासक जो बाबर थे इसके बीच में हुआ। बाबर जीतते हैं और मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ता है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था कब? बहुत ही अच्छा सवाल है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल में वैष्णव धर्म के कहिए कि धर्म को उठाने का काम किए थे ये, और फरवरी 1486 को होता है। तीसरा चौथा सही जवाब है। आराम शाह का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? 1210 से 1211 आप बताओगे, ठीक है। अकबर ने अपने पिता हुमायूं का मकबरा कहाँ पर बनवाया? कहाँ बनवाता है? दिल्ली में, नंबर पहला सही है। अकबर ने अपने पिता हुमायूं का मकबरा कहाँ पर? दिल्ली में बनवाया था। आते हैं 87 पर। अच्छा, उससे पहले दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे, जो भी लोग क्लास को देख रहे हैं ना, प्लीज़ आप लोग वीडियो को ना लाइक कर दीजिए। ये सब कहना अच्छा नहीं लगता है ना, बार बार कहना लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग खुद से कर दीजिए। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो क्लास को लाइक करते हैं। अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक तो कर ही देना चाहिए, है ना। फालतू का जो रील्स वगैरह होता है उसमें तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि लाइक करते ही होंगे, तो फिर इस वीडियो को क्यों नहीं करेंगे, ज़रूर कर दीजिएगा। आपसे ये आशा करते हैं और अपना जिम्मेदारी समझ के भी करिए, है ना। क्लास से अगर कुछ अच्छा मिल रहा है तो आप इस क्लास को कुछ अच्छा देकर भी जाइए, क्योंकि कलयुग है, जो कुछ लेंगे वापस यहाँ देना होता है। शिवाजी को युद्ध कला में निपुण किसने बनवाया था? तो उनके दादा कोंडदेव सही जवाब हो जाएगा। दादा कोंडदेव एक मराठा ब्राह्मण और महान नेता शिवाजी के गुरु थे और उनके अभिभावक भी थे। शिवाजी को युद्ध कला में निपुण करने वाले व्यक्ति दादा कोंडदेव थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह साहब पहले थे। औरंगजेब की मृत्यु होती है कहाँ पर? तो 1707 में महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ था, नंबर पहला। औरंगजेब की मृत्यु याद रखिएगा, अंतिम महान मुग़ल सम्राट आप औरंगजेब को कह सकते हो, 1707 में महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ था। अच्छा, जब उनकी मृत्यु होती है उस वक्त उनका एज कितना था? एज था उनका 88 वर्ष। औरंगजेब का मृत्यु जब होता है तो वो 88 वर्ष के थे। चलिए, कौन से इतिहासकार उनके संबंधित देश से संबंधित हैं, कौन कहाँ से आया था, कहने का ये मतलब है, तो देखते हैं। अब्दुल रज्जाक कहाँ का? समरकंद का, ठीक है। इब्न बतूता मोरक्को का था। मार्को पोलो एकदम इटली वेनिस का था और पीटर मुंडी इंग्लैंड का था। एकदम सब सही मैच किया हुआ है, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर 4 टिक करेंगे हम लोग। निम्नलिखित नवाबों में से किसने सफदर
जंग मकबरे का निर्माण करवाया था। यहाँ पर ना सफदर जंग होना चाहिए, ठीक है, स फ दर गंज, किसने करवाया था सफदरगंज का, नंबर थर्ड हो जाएगा, नवाब सुजाउद्दौला के द्वारा करवाया गया था। सफदरजंग के पुत्र नवाब सुजाउद्दौला ने सफदरजंग के मकबरे का निर्माण करवाया था, ठीक है, नंबर तीसरा यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं नंबर 94 पर, कह रहे कि दिल्ली का सुल्तान जिसने सीरी का किला बनवाया था उसका नाम बताएं क्या था, किसने बनवाया था, तो नंबर सेकेंड हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने सीरी का किला बनवाया, अलाउद्दीन खिलजी आपको बताना होता है, ठीक है। देखिए बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 2018 का सवाल है ये। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, शेर शाह सूरी का मकबरा है स्थित कहाँ पर, सासाराम नंबर सेकेंड है सही। अकबर के 1567 के अभियान में बताना है कि मेवाड़ का शासक कौन था, मेवाड़ का शासक कौन था, तो ऑप्शन नंबर आपको बताना होता है राणा उदय सिंह सही जवाब है। अकबर के 1567 के अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था, राणा उदय सिंह बताना होता है। 4 अगस्त जैसा देख लीजिएगा इम्पोर्टेंट है, 4 अगस्त 1522 से लेकर के 28 फरवरी 1572 तक ये रहे थे मेवाड़ के महाराणा रहे थे। मुग़ल राजकुमारी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा किसके अनुरोध पर लिखा, नंबर 4 अकबर के। गुलबदन बेगम सम्राट जो बाबर है उसकी बेटी थी, उसने अपने भतीजे सम्राट अकबर के अनुरोध पर अपने सौतेले भाई सम्राट हुमायूं के जीवन का लेखा जोखा हुमायूं नामा के रूप में लिखा है। कन्नौज की लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी बताइए, कन्नौज की लड़ाई किसके किसके बीच में होता है, तो कन्नौज के लिए आपको बताना होता है नंबर हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुई थी 1540 में, 17 मई को हुआ है। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 2018 का सवाल है। निकोलो कोंटी नामक इतालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर विजयनगर साम्राज्य के जो महान शासक रहे हैं देवराय प्रथम, इन्हीं के शासनकाल में निकोलो कोंटी भारत आया था देवराय प्रथम के समय में। इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इब्न बतूता मोरक्को का था, वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था और उसने रेहला लिखा है, तीनों कथन क्या है, एकदम सही है, टिक कर दीजिएगा, तीनों कथन क्या है सत्य है। 100 क्वेश्चन देख चुके हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी, तो सआदत खान हो जाएगा पहला सही जवाब, सआदत खान को दिया गया था बुरहान उल मुल्क की उपाधि। ये ना 22 दिसंबर को जो हुआ था 2019 में पहला शिफ्ट में एग्जाम उसमें पूछा गया सवाल है। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह एक कुल की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी, सुलह एक कुल धार्मिक सहनशीलता के आधार पर आधारित था ये सुलह एक कुल, ठीक है, सार्वभौमिक शांति जिसे आप कह सकते हो। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा, पहला सही जवाब हो जाएगा अलवारों के द्वारा किया गया था, अलवार संत के द्वारा भक्ति आंदोलन कहिए कि शुरू हुआ था एक तरह से। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित हैं, चैतन्य महाप्रभु वैष्णव नंबर पहला सही जवाब है, चैतन्य महाप्रभु वैष्णव से संबंधित हैं। 1486 में पश्चिम बंगाल में जन्म हुआ था ब्राह्मण परिवार में। दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि रक्त और लोह की नीति अपनाई गई थी, तो बलबन के द्वारा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। पहला मुगल शासक कौन था, पहला मुगल शासक था ऑप्शन नंबर पहला कौन था, बाबर हो जाएगा। मुगल काल में बताइए कहाँ पर
उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था? पहला सही जवाब कश्मीर हो जाएगा। मुगल काल में कौन सा? तो कश्मीर था। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? नियामत ए खुदाई किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, गयासुद्दीन तुगलक ने कहा था। किसने कहा था? गयासुद्दीन तुगलक ने कहा था। दिल्ली में लाल किले में, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तीसरा सही जवाब हो जाएगा, औरंगजेब ने करवाया था। लाल किला जो कि 1659 में तैयार हुआ, इसके भीतर औरंगजेब के द्वारा निर्मित मोती मस्जिद है। ठीक है, बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड 2020 का सवाल है। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक पूछेगा बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर। सल्तनत काल में दीवान ए ईसा, दीवान ए इंसा कह रहे हैं, किस विभाग का प्रमुख था? नंबर फोर, पत्राचार विभाग का था। बिहार स्टेट का सवाल है। सल्तनत काल में दीवान ए ईसा किस विभाग का प्रमुख था? तो पत्राचार विभाग का हो जाएगा सही जवाब। मुगल काल में जिस भूमि का स्वामित्व सीधे सुल्तान के पास होता था उसे क्या कहते थे? परात, खराज, खालिश, उसर। तो ऑप्शन नंबर खालसा कहा जाता था। खालसा कहिए, बिहार स्टेट का सवाल है। खालिश, खालसा याद रखोगे आप। करेक्ट। मंसूर चित्रकार किस सुल्तान के राज दरबार में रहता था? तीसरा सही जवाब हो जाएगा, किसके दरबार में रहता था? तो जहांगीर के दरबार में रहा करता था। मंसूर चित्रकार जहांगीर आपको बताना होता है। भारत में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था कब? 1398 में होता है तैमूर लंग का आक्रमण। कह रहे किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है? तीसरा सही जवाब हो जाएगा, महाराणा कुंभा। किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है? महाराणा कुंभा को कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ज़रूर याद रखेंगे। जो कुंभकर्ण है इसे राणा कुंभा के नाम से जाना जाता है और पश्चिमी भारत के मेवाड़ साम्राज्य के ये शासक रहे थे, मेवाड़ के। देख रहे हैं ना, सब सवाल स्टेट का है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो आपको अच्छे से ये पता है, जैनुल आबादीन को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी है? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा हम लोग देख चुके थे कुछ देर पहले भी, फारसी। गुरु गोविंद साहब की हत्या हुई है कब? चलिए यह सवाल सही है, हत्या आपसे अब पूछा है। तो 1708 आपको बताना होता है। आप ना 1708 को तो याद रखिएगा ही, ऐसे याद रखिए ना, 1666 से 1708 तक ये रहे थे। चौथ और सर देशमुखी का संबंध किस शासक से है? सेकेंड, शिवाजी से। चौथ और सर देशमुखी का संबंध पूछेगा शिवाजी से रहा है। कह रहा क्या, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो हम लोग देख चुके थे कुछ देर पहले, गुरु अंगद साहब किए थे। नंबर सेकेंड यहाँ पर टिक करना है हम लोगों को। चलिए यहाँ पर मिलाइए अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। आगरा का किला ये हो जाएगा अकबर। इतिमाद उद्दौला का मकबरा नूर जहान। दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ। ठीक है, याद रखिएगा। बिहार LDC परीक्षा 2022 का सवाल है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है कहाँ पर हुआ है? 22 दिसंबर 1666 बिहार के पटना में, जहाँ आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। 12वीं शताब्दी में अजमेर शहर में ये बसे थे, जहाँ पर मुनीस अल अरबाब बताना होता है, जहाँ नारा दिया हुआ है। यहाँ पे जहाँ आरा होगा, नारा नहीं आरा होगा। ठीक है, तो याद रखिए, जहाँ आरा ने मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी है, जिसका शीर्षक क्या रखा है?
मुनीस अल अरबाब, मुनीस अल अरबाब आपको याद रखना होता है। बिहार दरोगा जो कि 22/4 को हुआ था, उसी 24/4 को हुआ था, उसका सवाल है 24/4/22 को, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल में काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? पोलस था, परौती था, बंजर था, जरीबा नहीं था। जरीब एक नापने वाला यंत्र जैसा होता था, ठीक है, दरोगा का यह भी सवाल है। सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग, बताइए सल्तनत काल के समय में कह रहा है दीवान ए अर्ज विभाग कौन सा हुआ करेगा? अर्ज मतलब अर्जी, अर्जी कहाँ लगाओगे आप, तो डायरेक्ट सेना के पास। कृष्ण देव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप कौन से उपनगर की स्थापना की? तो नंबर 4 नागलपुरम आपको बताना होता है, नागलपुरम की स्थापना की थी। किस मुगल सम्राट के शासन काल में मुगल दरबार बाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए थे? ऑप्शन नंबर 3 शाहजहां के समय में किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। जमीन का मतलब जमीन को चूमना एक तरह से होता था, ठीक है। अमीर ए शिकार की पदवी, बताइए अमीर ए शिकार की पदवी पर बलवन को किसने नियुक्त किया था? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान इल्तुतमिश बलवन की बुद्धिमत्ता और क्षमता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था और उन्हें 40 दासों के प्रसिद्ध दल के सदस्य के रूप में नामांकित किया था। ध्यान रखिएगा कि रजिया सुल्तान के शासनकाल के दौरान उन्हें अमीर ए शिकार यानी कि हंट ए भगवान के पद पर बिठाया गया था। अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकार यानी कि प्रांत यानी कि सूबा में बटा हुआ था? टोटल 7 में बटा हुआ था बिहार, ठीक है। अकबर के समय में बिहार 7 प्रांत में बटा हुआ था, यूपीएससी वाले एग्जाम में पूछा गया सवाल है। कह रहे मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया? शेरशाह सूरी ने किया था। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना शेरशाह सूरी ने। आलमगीरनामा को किसने लिखा है? आलमगीरनामा को बताइए किसने लिखा है? नंबर 1 मिर्जा मोहम्मद काजिम के द्वारा। आलमगीरनामा किसके द्वारा? मिर्जा मोहम्मद काजिम के द्वारा लिखा गया है। औरंगजेब का दरबारी इतिहास ये रहा था, यह भी ध्यान रख सकते हैं आप। कह रहे किसने खूत और मुकदमों को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा? तो अलाउद्दीन खिलजी, नंबर 2 हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया था? तो ये तो खैर आप अच्छे से जानते हो, सिजदा तबूस तबूस बलवन ने किया था। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, सेकेंड आपको बताना होता है। 1756 में सिराज उद दौला किसके बाद बंगाल का नवाब बनता है? मीर जाफर, मीर कासिम, मुर्शिद कुली खां या अरिवर्दी खां? सिराज ने अप्रैल 1756 में 23 साल की उम्र में बंगाल के नवाब के रूप में ये अपने जो नाना थे अलवर्दी खां उनकी जगह लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनाने और रख रखाव के खर्चे किसके द्वारा वहन किए जाते थे? ऑप्शन नंबर 1 राज्य के द्वारा, याद रखना होता है, ठीक है। देखिए फिरोज शाह तुगलक जो है 1351 से 86 इनके लिए समय आप याद रखोगे। आईने अकबरी किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है आईने अकबरी। विजयनगर का महानतम शासक कौन था, बताइए विजयनगर का महानतम शासक कौन रहा है? सही जवाब हो जाएगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय 1500
नौ से 1529 तक याद रखिएगा, सबसे महान शासक रहे हैं ये ना। बीजापुर है, गोलकुंडा है, बहमनी सल्तनत है, उसके बाद उड़ीसा का जो गजपति था, इन सबको वहाँ, ये सब सुल्तान थे, इन सबको हरा करके मतलब सत्ता प्राप्त किए थे ये। कह रहे कि समृद्धि के षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया, समृद्धि ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता अस्थायित्व और शांति की गारंटी देता है, यह किसने कहा है? यह कहावत है, कहा गया है जियाउद्दीन बरनी के द्वारा, तारीख़ फरिश्ता में ये ऐसी बात कहते हैं। नंबर 140 करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप में सुमेलित नहीं है? पहला करेक्ट अलाई दरवाज़ा, अलाउद्दीन खिलजी ठीक है, जमात खान महजिद बलवन गलत है, कुतुब मीनार इल्तुतमिश ठीक है। हिसार के लिए आपको फिरोज शाह तुगलक बताना होता है, बिहार मध्य निषेध पुलिस भर्ती 2023 में यह सवाल पूछा गया था। तो खिज्र खां के द्वारा ये बनाया गया था जमात मस्जिद, ठीक है। नंबर 141 में विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या हुआ करता था? अमरम होता था सैनिकों को अनुदान, सैनिकों का अनुदान को क्या कहा जाता था विजयनगर साम्राज्य में? तो अमरम कहा जाता था। बिहार मध्य निषिद्ध दरोगा भर्ती परीक्षा 2023 का सवाल आप देख रहे हो। औरंगजेब की मृत्यु होती है कब? बहुत बार देख चुके हैं, 1707 में महाराष्ट्र के अहमदनगर में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश का था? तो आपने देखा था अभी, मोरक्को का रहने वाला था। जन्म कब होता है? 1304 में। बीपीएससी टीचर वाले में पूछा गया सवाल है, इब्न बतूता कौन से सदी में भारत आएगा? तो तेरह सौ चार में जन्म हुआ था। कौन सा सदी हो जाएगा? 14वीं होगा ना यहाँ पर, ठीक है। 2024 का यह सवाल है दरोगा वाला। मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था? तेरहवीं सदी आपको यहाँ पर बताना होता है, पहला हो जाएगा सही तब। मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन सा अधिकारी देखा करता था? तो पहला सही जवाब हो जाएगा दीवान। मुगल राज्य में ना चार प्रमुख विभाग हुआ करते थे और केंद्र सरकार के चार मुख्य अधिकारी थे, दीवान, मीर बख्शी, मीर सामा और सदर हुआ करता था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है चारों, ध्यान रखिएगा, दीवान, मीर बख्शी, मीर सामा और सदर हुआ करता था। तो फ्रेंड्स, ये सवाल बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस का है, जो कि 25/2/2024 को हुआ था। आशा करता हूँ कि आज का क्लास यानी कि मध्यकालीन भारत को देखकर आपको अच्छा लगा है। अगर कुछ कहना होगा कमेंट करिएगा, क्लास पसंद आए तो लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। जो भी लोग पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं आप लोग नंबर को नोट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिएगा कुछ कहना हो तो, ठीक है। साथ ही साथ फिर से कहेंगे, शेयर लाइक ज़रूर कर देंगे आप क्लास को। यहाँ पर आपको दो थंबनेल शो कर रहा है, आप अभी तक जिस भी क्लास को नहीं देख पाए हो अभी ही टच करके देखिए, दोनों क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा।